तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोलापुर। ये जो कॉलेज है उसका कंप्लीट रिव्यू आप पूरा अंदाज़ा लगा पाओगे पूरा वीडियो देखने के बाद कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, कितना अच्छा कॉलेज है या फिर क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है। वैसे तो मैं आपको बता दूँ हर गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो कम चीज़ें ज़्यादा चीज़ें होती है वो भी हमें देखनी चाहिए। क्या पता इस वीडियो में ऐसी कुछ चीज़ आपको नज़र आए जो पसंद आए और आप इस कॉलेज में लेना चाहो, या फिर कोई चीज़ आपको ऐसी पता चले कि आप भाई ये कॉलेज मेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट, कोर्सेस अवेलेबल, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, कट ऑफ और फीस स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी हो सके आप डाउट हो आपके मन में वो कमेंट में बता सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इसको और वीडियो एंड तक देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ सकते हो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोलापुर वाज फाउंडेड 1956। तो बहुत पुराना कॉलेज है, मतलब 1956 मतलब ये सबसे पुराने जो कॉलेज है उनमें से एक है। ठीक है, तो उसकी तो कोई चिंता नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो काफ़ी पुराना कॉलेज है, तो आप बिल्डिंग पिक्चर में अगर आप बिल्डिंग देख पा रहे हो तो उससे भी पता चल जाएगा आपको ये कोई पुरानी बिल्डिंग ही लग रही है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम यहाँ देखते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोलापुर में कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है। तो सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, अप्लाइड मैकेनिक्स है और साइंस एंड ह्यूमैनिटीज है। ये सारी ब्रांचेस जो है, अगर आप इसमें कोई कन्फ्यूजन है, इसमें कोई डाउट है भाई कौन सी ब्रांच मेरे लिए अच्छी है, या फिर आप समझ पा नहीं रहे जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क होता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क होता है, अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन है या फिर ब्रांचेस के बारे में थोड़ा नॉलेज चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, सर मुझे ये डाउट है ब्रांचेस के बारे में, थोड़ा जो भी है आपके मन में वो पूछ लीजिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा या नहीं तो मैं कमेंट में आपको रिप्लाई दूंगा, या फिर वीडियो की ज़रूरत पड़ी तो वीडियो भी बनाऊँगा। ठीक है, तो इतनी सारी ब्रांचेस है, इनमें से शायद सभी को इनमें से कोई एक ब्रांच चाहिए होती है, इनमें से मतलब जितनी ब्रांचेस तो चलती है उनमें से सारी ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना चाहिए कोई भी कॉलेज चूज़ करने से पहले, वो है उस कॉलेज का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कैसा है, मतलब उस कॉलेज में हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट मतलब जब आप कॉलेज के फाइनल ईयर में जाते हो डिप्लोमा के, तब वहाँ पे कंपनी आती है आपको सिलेक्ट करने के लिए जॉब के लिए, तो वो अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जाता हूँ तो लेटेस्ट जो डेटा है इन्होंने 2017-18 का दिया हुआ है। ठीक है, उससे बाद का डेटा है ही नहीं, तो आई थिंक हुआ होगा लेकिन इन्होंने एक तो अपडेट किया नहीं होगा या फिर कोरोना पैंडेमिक में सब कुछ तो ऑनलाइन होता था तो तब कुछ प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया है। ठीक है, लेकिन मैं 2017-18 का आपको बता देता हूँ कौन सी कंपनियाँ आई थी। तो जनरल इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर्स, थॉटवर्क्स टेक्नोलॉजीज, उसके बाद सेल्को, बजाज ऑटो, अल्ट्रा इंजीनियर्स, एल&टी इंडिया, किर्लोस्कर, थर्मैक्स। तो इनमें से कुछ कंपनियाँ कंस्ट्रक्शन में है, मतलब सिविल के लिए, कोर सिविल ब्रांच के कुछ IT कंपनियाँ हैं, उसके बाद कुछ मैकेनिकल के लिए है, तो मिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि सर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के यहाँ पे 19 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मैकेनिकल के टाटा मोटर्स में 20 सिलेक्ट हुए हैं और मिक्स सिलेक्ट हुए हैं थॉटवर्क्स में, सब इंटर डिसिप्लिन मतलब हर एक ब्रांच के अलग अलग होंगे, तो 12 सिलेक्ट हुए टोटल। उसके बाद जो है थर्मैक्स पुणे में शॉर्ट लिस्टेड 20 हुए थे। ठीक है, तो इतने बच्चे प्लेस हुए, आप पूरा डेटा देख सकते हो, उसके पहले सालों का भी डेटा आप दे सकते हो, ये प्रोफेसर है जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में आपको हेल्प करेंगे उनका भी डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम हमेशा डिस्कस करते हैं वो है कट ऑफ। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कितने मार्क्स है और इस कॉलेज में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, क्योंकि देखिए अगर बहुत ज़्यादा आपको कम मार्क्स है कट ऑफ से तो इस कॉलेज में चांसेस नहीं है। ठीक है, तो कट ऑफ देखने से आपको एक अंदाज़ा लग जाता है, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हो अगर ये कॉलेज आपको चाहिए, तो नहीं चाहिए तो अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से सोचना है आपको, मेरा कट ऑफ कितना है, मुझे कौन सी ब्रांच चाहिए, मेरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मुझे कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना है सीखने के लिए, या फिर जहाँ पर आप अभी हो वहीं पर सीखना है, तो सारे पॉइंट्स कंसिडर करके आपको खुद डिसीजन लेना है। ठीक है, तो कट ऑफ यहाँ पर मैं बता दूँ, इलेक्ट्रिकल के लिए मान लीजिए होम कैटेगरी मतलब सॉरी होम डिस्ट्रिक्ट मतलब जो बच्चे सोलापुर के हैं, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से 10वीं की है उनके लिए कट ऑफ है, तो 85 था, 81 था, SC के लिए, ST के लिए 71, NT के लिए 82, OBC के लिए 82
और आदर ध्यान, जो सोलापुर के बाहर से 10वीं के है उनके लिए ओपन के लिए 90 था इलेक्ट्रिकल में, मतलब ज़्यादा कट ऑफ है, ठीक है। एससी के लिए 75, एसटी के लिए 65, एनटी के लिए 77 और ओबीसी के लिए 79 था। कंप्यूटर का यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हो, आईटी का मैंने नहीं दिया है, आईटी का और कंप्यूटर का लगभग सेम होता है, ठीक है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आप अगर ओपन में हो और आपको कंप्यूटर आईटी चाहिए तो एटलीस्ट 90% तो आप कंसिडर करके चलिए, ठीक है। और सेकंड राउंड की अगर बात करते हो तो कट ऑफ का कोई नहीं बोल सकता कि कम होगा ज़्यादा होगा, इससे बढ़ भी सकता है या फिर कम भी हो सकता है। ये पिछले साल का कट ऑफ है तो इस साल का सिर्फ आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा, एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा कोई भी कितना कट ऑफ लगेगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ये पूछना ज़रूरी नहीं है कि सर मुझे इतने मार्क्स है, मुझे ये कॉलेज चाहिए, मिलेगा या नहीं, तो मैं नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। तो आपको खुद अंदाज़ा लगाना है, इसीलिए तो रेफरेंस के लिए मैं ये सब वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए हमको, वो है फीस स्ट्रक्चर। तो पूरी मैंने पीडीएफ वहाँ पर जो स्क्रीनशॉट उसका निकाला, मतलब ऑथराइज वेबसाइट से मैंने उठाया है। तो ओपन के लिए आप राइट साइड में देख सकते हो, पहले टोटल 9,014 रुपया, ईबीसी एसईबीसी ओबीसी कैटेगरी के लिए 6,014 रुपया, एससी एसटी वीजेएनटी एसबीसी टीएफडब्ल्यूएस के लिए 3,014 रुपया। अगर आप ये डिटेल्स, भाई 9,014 कैसे हो गया, उनमें से किस चीज़ के लिए कितनी फीस है, तो उसमें से ट्यूशन फी है 6,000, ये डिटेल आप पढ़ सकते हो कॉलम ओपन का जो दिख रहा है आपको यहाँ पे पीडीएफ में, मतलब स्क्रीनशॉट में। तो फीस स्ट्रक्चर के नीचे आप ट्यूशन फी 6,000, डेवलपमेंट फी 1,000, अदर फी 550, सीएमडी कुछ चार्जेस होंगे 2,000, और नॉन गवर्नमेंट फी में एमएसबीटी एग्ज़ाम फी भी इंक्लूडेड है इसमें, बराबर। और वो कितनी है हमारी, 600 रुपया सिर्फ थर्ड सेम के लिए है वो, और एनरोलमेंट फ़ी है 210, इंश्योरेंस फ़ी है 400। तो ये सब कुछ मिला के मतलब टोटल फ़ी है, इसके बाद आपको कुछ पे नहीं करना है कॉलेज को। तो टोटल जो आंकड़ा मैंने बताया 9,014, तो इस साल का जो फीस है आप ये नहीं समझिए कि भाई इतना ही होगा, 500 कम भी हो सकता है, 500 हज़ार बढ़ भी सकता है या फिर ज़्यादा भी बढ़ सकता है, ज़्यादा भी कम हो सकता है। तो इससे आप अंदाज़ा 10,000 के आसपास आप पकड़ के चल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको उतना अंदाज़ा आ गया होगा इस कॉलेज के बारे में, जितना आपको चाहिए भाई इस कॉलेज में एडमिशन लूँ या नहीं लूँ ये डिसीजन लेने के लिए। अगर कुछ मैंने मिस किया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या कोई सजेशन है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। लेकिन हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आपको शेयर करना है, सबकी हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि खुद फिर यूट्यूब इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। और सब्सक्राइब तो करना ही है, बेल आइकन प्रेस कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।